मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 होंडा सीबी शाइन का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, होंडा सीबी शाइन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट 125 सीसी के सेगमेंट की बाइक है और इसका अब 2019 अपडेट आ चुका है। इसमें अब आपको CBS मिल जाता है, मतलब कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, बाइक के कलर, इंजन पावर, ग्राफिक्स, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो मेन चेंज है वो सिर्फ CBS ब्रेकिंग का ही है। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको एक ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है एयर को पास करने के लिए और एक कंफर्टेबल राइड करने के लिए, और इसमें आपको 35x35 वॉट का हैलोजन बल्ब मिलता है। दोस्तों, हेडलैम्प के जस्ट ऊपर आपको एक क्रोम गार्निशिंग मिलता है जो बाइक को काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। क्लियर लेंस फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों, मास्क के कॉर्नर्स पर भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो बाइक को काफी सुंदर लुक देते हैं। रियर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो पीछे के लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें आपको सेम बल्ब टेल लाइट मिलती है जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, और बल्ब फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलते हैं। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 124.73 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 10.30 PS एट 7500 RPM का पावर और 10.30 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 4 मिलते हैं, और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, होंडा सीबी शाइन के वेरिएंट्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रम ब्रेक, ड्रम CBS, ड्रम CBS लिमिटेड एडिशन, डिस्क ब्रेक, डिस्क CBS, डिस्क CBS लिमिटेड एडिशन। तो इसमें आपको ये सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर इस वेरिएंट की प्राइस के बारे में बात किया जाए डिस्क विद CBS का, तो इसका प्राइस है 63,443। दोस्तों, माइलेज के बारे में बात किया जाए तो आप इससे अराउंड 50-55 तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों ही एनालॉग में मिले हैं, जिसमें आपको टोटल स्पीड, टोटल किलोमीटर और फ्यूल गेज बता दिया जाता है। सेंटर में आपको न्यूट्रल इंडिकेटर, आपका पास इंडिकेटर और लेफ्ट हैंड इंडिकेटर भी दे दिया जाता है। दोस्तों, इसमें मेरे को एक डाउनसाइड लगा है, क्योंकि इसमें आपको एक साइड स्टैंड इंडिकेटर का भी ऑप्शन देना था, क्योंकि आजकल हर 100 सीसी की बाइक्स में आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि वो हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दोस्तों, स्विच गियर क्वालिटी होंडा की हमेशा से ही अच्छी रही है। जो मटेरियल वो उसमें यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का करते हैं, और इसमें आपको सारे बेसिक से स्विचेस मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड इंडिकेटर स्विच, आपका हॉर्न स्विच और चॉक का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है, और बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। राइट तरफ के हैंडल में आपको यहाँ सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, और हैंडल की जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 80x100 का टायर साइज मिलता है विथ 18 इंचेस व्हील साइज और 240 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसमें आपको 80x100 का टायर साइज मिलता है विथ 18 इंचेस व्हील साइज और 130 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको दोनों ही टायर्स ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि CBS टेक्नोलॉजी आखिरकार वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, इसका मेथड एकदम सिंपल है। जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करोगे तो आगे का ब्रेक भी लगभग दब जाएगा, जिसके कारण जो आपका सेफ्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो यही है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जो हमारे सेफ्टी के लिए डिज़ाइन किया गया है होंडा कंपनी की तरफ से। दोस्तों, सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती है, जिससे अगर आप दो लोग बैठकर भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है और जो पिलियनर है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सीट की कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और आप इमरजेंसी पड़ने पर तीन लोग बैठकर भी राइड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोज लाते रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू होंडा सीबी शाइन से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।